चलो यार बच्चों, सो फाउंडेशन लेवल का अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है बेटा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। सो सभी ने अच्छे से ध्यान देना है, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रैक्टिकल के चांसेस ज्यादा है, 6 to 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टार्ट करूं? सभी ने अपनी अपनी बुक के अंदर में हेडिंग दे दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सब लोग बेटा एकदम पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अच्छे से ध्यान देना है सभी ने, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जो भी आपके दोस्त लोग हैं जो घर पे सो रहे हैं अब्सेंट है, उनको बोल देना भैया नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है आ जा। चलो ध्यान देना। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पूरे टॉपिक का, पूरे टॉपिक का। ये आया क्यों, ये क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे अकाउंटिंग करना है, समझ में आए? चलो आ जाओ, और जहां भी डाउट है तब के तब पूछना है, सबने ध्यान देना है बेटा। आप सभी लोग जानते हो आज के डेट में मार्केट में क्या सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन होते हैं क्या, कि क्रेडिट भी होते हैं? आप सभी लोग जानते हो आज के डेट में अगर किसी को धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो उधारी में माल बेचना ही पड़ेगा। अगर वो सोचेगा कि नहीं मैं हर एक चीज कैश में खरीदूंगा या कैश में बेचूंगा, पॉसिबल है क्या? कहीं ना कहीं क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी मार्केट में होते हैं कि नहीं होते हैं, यस और नो? जहां क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ गया वहां पे बैड डेट भी आ गए, भरोसा टूट गया, लड़ाई झगड़ा, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यस और नो, इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर, कितना सारा टेंशन है। अब तुम सोचो जब तुम किसी को उधार देते हो तो सामने वाला गाय बन के पैसे ले लेता है, और जब पैसा वापस मांगने की बारी आती है, जब तुम उससे पैसा लेने जाते हो, तो वो शेर बना फिरता है। मैं क्या भाग के जा रहा हूं क्या, कल देता हूं, अभी नहीं अगली बार आना, मर रहा हूं क्या, बहुत लोगों के पैसे देने हैं, दे दूंगा, यस और नो? और लेते समय भाई प्लीज पैसे उधार दे, यस और नो? और जब वापस देने की बात भी आती है तो यस और नो? ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है रियल लाइफ में, बरबर है, खास करके क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। आप समझ लो बात की गहराई, समझ लो ये टॉपिक का मैं आपको बेस बता रहा हूं, क्यों आया, कैसे पैदा हुआ, उसके बाद में इसकी अकाउंटिंग आज के आज ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और अच्छी खासी अकाउंटिंग भी हम लोग देखेंगे, फिर भरपूर प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। आ जाओ अच्छे से ध्यान देना, मैं जो लिख रहा हूं वो भी आपने अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है ना, मेरे जैसी गंदी हैंडराइटिंग में नहीं, सुंदर हैंडराइटिंग। आ जाओ ध्यान देना। आप सभी को एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, है ना, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। ये जैसे अन्ना ने बन्ना को क्रेडिट बेसिस पे माल सेल किया, यस और नो? अन्ना ने, सभी ने लिखना है बेटा प्लीज, हाँ कसम खा लो अपने मां बाप की, जो भी नोट्स में लिखवा के दे रहा हूं सारी की सारी आप लिखोगे, ठीक है, पेंडिंग मत रखना। अन्ना ने बन्ना को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹5,000, बरोबर है क्या? किसको सेल किया बेटा? बन्ना को। किसने सेल किया? अन्ना ने, है ना? और प्लीज ध्यान देना, क्रेडिट सेल किया तो बोलो पैसे आए क्या अभी? नो, पैसे आए नहीं, प्लीज ध्यान देना। अब अन्ना ने बन्ना को 5,000 का गुड सेल किया ऑन क्रेडिट, बन्ना से अभी तक पैसा नहीं आया, और अन्ना को भरोसा नहीं है कि बन्ना पैसा देगा। अन्ना ने बोला बोल बन्ने पैसे कब देगा? बन्ना ने बोला 3 महीने बाद दे दूंगा माँ कसम। अन्ना ने बोला रुक, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, मैं एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहा हूं। इसने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, और उस डॉक्यूमेंट में एक ऑर्डर लिखा, उस डॉक्यूमेंट में एक ऑर्डर लिखा कि बन्ना यू हैव टू पे, इतने इतने दिन बाद इतना इतना अमाउंट तुझे पे करना पड़ेगा। ऑर्डर दिया और बन्ना को बोला चल इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर। अन्ना ने बन्ना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और बन्ना को बोला चल इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट कर मतलब बन्ना उस पे साइन करके वापस किसको देगा? अन्ना को, यस और नो? देखो बन्ना के पास वो डॉक्यूमेंट आ गया, बन्ना ने उस डॉक्यूमेंट को लिया, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया, ये देखो बन्ना का साइन आ गया। जैसे ही बन्ना ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया, अब वो डॉक्यूमेंट, अब वो ऑर्डर एक तुच्छ ड्राफ्ट नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
जब कभी भी हम लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, और उसमें अगर क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजेक्शन है, जब कभी भी हम लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का और उसमें क्रेडिट बेसिस पे अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, और एक पार्टी को अगर क्रेडिटर को डेटर पे भरोसा नहीं है, तो उस समय हम लोग क्या करते बेटा, क्रेडिटर जो सेलर है वो एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता है ना, बायर के ऊपर, डेटर के ऊपर, और डेटर को बोलता है चल एक्सेप्ट कर। और डेटर जैसे ही वो साइन करता है एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करना मतलब डेटर बनना, बनना उस पर साइन करेगा, जैसे ही साइन कर दिया अन्ना ने, मैं अन्ना हूं, मैंने उससे वो डॉक्यूमेंट ले लिया। साइन करने के बाद अब वो डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट नहीं बचा, अब वो क्या बन गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब अन्ना के लिए वो बन गया बिल रिसीवेबल, अन्ना के लिए वो बन गया बिल रिसीवेबल, अन्ना को पैसा आएगा ना उससे, और बन्ना के लिए वो क्या बन गया बिल्स पेबल, बन्ना को देना पड़ेगा। ओ हो। फिर से एक बार वापस सुनो बेटा, अच्छे से ध्यान देना, बहुत काम का टॉपिक है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आपका हुआ है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक आप पढ़ रहे हो। अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा, अन्ना को बन्ना के ऊपर भरोसा नहीं था, अन्ना ने बन्ना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, और वो ड्राफ्ट जैसे ही बन्ना ने एक्सेप्ट किया ना, अब वो ड्राफ्ट एक ड्राफ्ट नहीं बचा, अब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया, है ना। बन्ना ने एक्सेप्ट किया, जिसने एक्सेप्ट किया मतलब वो वादा कर रहा है, या फिर वो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहा है, वो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहा है। बन्ना ने एक्सेप्ट किया, बन्ना ने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया कि हाँ अन्ना मैं दूंगा आपकी ऑर्डर को, मैं पक्का मान रखूंगा, मैं पैसा दूंगा। तो जिसने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया उसके लिए क्या हो गया बिल पेबल, जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए क्या हो गया बिल पेबल, और जिसने वो ऑर्डर ड्राफ्ट किया था एक्सेप्ट करने के बाद बन्ना, वो किसको देगा अन्ना को, अन्ना ने ड्राफ्ट किया था ना, जिसने ड्राफ्ट किया उसको एक्सेप्ट करने के बाद वापस मिल जाता, तो अन्ना के लिए हो गया बिल रिसीवेबल। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, सिनारियो समझ में आ रहा है क्या। तो क्या है बेटा, अन्ना बन्ना के बीच में उधारी का ट्रांजेक्शन हुआ, अन्ना ने बन्ना को उधारी माल बेचा, अन्ना को बन्ना के ऊपर भरोसा नहीं था इसलिए अन्ना ने बन्ना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, बन्ना ने जैसे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, अन्ना के लिए बिल रिसीवेबल, बन्ना के लिए बिल पेएबल। यस और नो, कुछ बात समझ आई क्या, क्लियर है। चलो आगे, यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, एनीबॉडी है, कम ऑन। चलो बेटा किसी कोई डाउट है, चलो आगे, पक्का, हेलो, वेरी गुड, ठीक है, नो डाउट। चल आगे बढ़ते हैं, ग्रेट। आ जाओ, एक बच्चे ने बोला बिल किसके पास रहेगा, तू बता बिल किसके पास है अभी, तू ही बोल, बोलो बेटा बिल किसके पास है, अन्ना के पास। अरे बाबा देखना एरो घूम रहा है, ये एरो घूम रहा है, इसने ऑर्डर ड्राफ्ट किया, इसके पास गया, इसने वापस साइन करके किसको दिया, अन्ना को। तो बिल किसके पास है, अन्ना के पास। अभिजीत बाला आलका लक्षात, चल ठीक है, आया आया ध्यान में, चलो ठीक है। सो अन्ना के पास आ गया बिल रिसीवेबल, और बन्ना के पास, बन्ना के लिए क्या था वो बिल पेबल, बन्ना की वो क्या है लाइबिलिटी, अन्ना के लिए वो क्या है एसेट। ओहो, चल अब अच्छे से ध्यान देना सभी, मैं इसकी अकाउंटिंग करके बताऊं थोड़ी सी। बिल रिसीवेबल असेट है ना अन्ना के लिए, बोलो अन्ना के बुक में अकाउंटिंग करता हूं, हाँ प्लीज ध्यान देना सभी ने। ए बेटा सब लोग ध्यान दो बेटा, काम की चीज है। सो आ जाओ, सो लिख रहा हूं मैं, इन द बुक्स ऑफ अन्ना। बोलो पहला ट्रांजेक्शन क्या था, माल बेचा, किसको बेचा बन्ना को, बन्ना को माल बेचा। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स याद करो, जब भी किसी पार्टी या पर्सन को उधारी में माल बेचते हैं तो पार्टी या पर्सन का अकाउंट क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। सो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन गया डेटर, यस और नो। सो बन्ना अकाउंट विल बी डेबिटेड, माल बेचा तो टू सेल्स अकाउंट, कितने का माल था
5000। नरेशन आप लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यस और नो? सब लोग प्लीज साथ में रहना। लिखा बेटा सभी ने? मैं जब तक जिम कर लेता हूं भाई, शर्त हार जाऊंगा। डन, लिख लिया। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। सो अन्ना ने बन्ना को उधारी में माल बेचा, उसका एंट्री कर दिया। अन्ना को बन्ना के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए अन्ना ने बन्ना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया। डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, उसका कोई एंट्री नहीं होता है। जैसे ही बन्ना ने वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो वो डॉक्यूमेंट अब अन्ना के लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल, और इसके लिए बिल पेएबल। तो जैसे ही बन्ना ने वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके, बन्ना ने उसकी साइन करके हमें दिया, हमारे पास क्या आ गई? बिल रिसीवेबल नाम की असेट आ गई। असेट आ गई तो असेट को डेबिट करो। कौन सी असेट आई? बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को बी ऑब्लिक आर लिख रहा हूं। बिल रिसीवेबल नाम की असेट आ गई। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल था वो? ऑब्वियस सी बात है, बिल रिसीवेबल 5000 का ही होगा कुछ अगर बोला नहीं है तो। एक बच्ची ने बोला सर बींग लिखना जरूरी है क्या? बींग लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पेंदा, यस और नो? चलेगा, लिखा तो भी, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। नरेशन में बींग लिखने की बात कर रही बच्ची। चलेगा बेटा? बरोबर है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, नरेशन लिखना जरूरी है, पर हाँ नंबर कट होते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है नो नीड टू राइट नरेशन, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोला है कि नो नीड टू राइट नरेशन, तो ही मत लिखो, अदरवाइज लिखो, अपने को क्या। आ जाओ, बिल रिसीवेबल आ गया क्या? बिल रिसीवेबल आ गया, नहीं असेट आ गई, असेट का डेबिट, बैलेंस असेट आती है तो असेट को डेबिट करो। किसने दिया वो असेट? बन्ना ने, बन्ना को क्रेडिट कर दो। सो टू बन्ना अकाउंट, नरेशन, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड, या फिर बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, हमारे पास बिल रिसीवेबल आ गया ना, हमारे पास बिल रिसीवेबल आ गया। हाँ, एक बच्ची ने बहुत सही बोला सर, अभी इस पॉइंट पे बनना से हमें कुछ नहीं लेना है। हाँ, फॉर द टाइम बिंग कुछ नहीं लेना है, लेकिन जिस दिन बिल का ड्यू डेट आएगा उस दिन बनना पैसा देगा, बट किसको? जिसके पास बिल है उसको। हमारे पास है तो हमें, किसी और के पास है तो किसी और को। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी बनना से कुछ नहीं लेना है, बनना से एज अ डेटर कुछ नहीं लेना है, बट बनना से वो जो बिल एक्सेप्ट किया उसका पैसा तो लेना है, यस और नो? डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनी बड़ी प्लीज पूछो। बोलो क्लियर है? चलो आगे, ऑल सेट? ओके, चलो आ जाओ आगे बढ़ते। चलो मुन्ना आगे बढ़ रहा हूं। सो अन्ना ने बन्ना को उधारी माल बेचा था, अन्ना के बुक में आ गया एंट्री, बन्ना अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके बाद अन्ना को बन्ना के ऊपर भरोसा नहीं था, बिल ड्राफ्ट किया, बन्ना ने बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट किया तो हमारे पास आ गया बिल रिसीवेबल, तो मैंने एंट्री कर दिया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बन्ना, ये चीज हो गई। बन्ना के बुक में इसकी क्या एंट्री रहेगी बताओ? इन द बुक्स ऑफ बन्ना, बरोबर है क्या? बोलो बेटा। बन्ना ने माल खरीदा था तो बन्ना के लिए हो गया परचेस, परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू अन्ना। अन्ना से उधारी में लिया ना बन्ना ने माल, अन्ना से उधारी में लिया, सो टू अन्ना अकाउंट। बोल रहे बाड़ा कितनी आले? 5000। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, नरेशन क्या आएगा? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिखो नरेशन। उसके बाद आ गया बन्ना ने बिल एक्सेप्ट किया क्या?
बनना, अभी हम लोग कौन है बनना है, हमारे बुक में एंट्री चल रही है, हम लोग कौन है बनना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमने बिल एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए बिल पेएबल लाइबिलिटी बढ़ गई क्या? बिल पेएबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो क्रेडिट करो, बराबर है? किसको दिया हमने बिल? अन्ना को। सो अन्ना अकाउंट डेबिट, अन्ना के लिए हमने लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी को यानी बिल पेएबल को क्रेडिट करो। इसने बिल एक्सेप्ट किया ना, बिल एक्सेप्टेड, बरोबर, अन्ना के बुक में एंट्री हो गई और बन्ना के बुक में एंट्री हो गई। सिंपल था क्या है इसमें, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। चलो आगे, सिंपल एकदम, अब तक तो एकदम बेसिक से ही चल रहा है ना, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक चल रहा है, राइट? ऑल सेट, सब लोग प्लीज ध्यान देना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आज का पहला लेक्चर बेटा, फाउंडेशन लेवल का अकॉर्डिंग चल रहा है, 6 से 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। अब अन्ना को पैसों की अर्जेंट जरूरत थी, कैसी थी? अर्जेंट एकदम। अन्ना को पैसों की कैसी जरूरत थी? अर्जेंट। अन्ना ने बोला मुझे तो आज ही पैसे चाहिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, है ना? प्लीज ध्यान देना, अन्ना बोले मुझे आज ही पैसे चाहिए, अन्ना के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो अन्ना ने क्या किया, इस बिल को बैंक में जाके बेच दिया। अन्ना को ये बिल का पैसा कब मिलता? 3 महीने बाद, क्योंकि बिल का ड्यू डेट कब है? 3 महीने बाद। बिल का ड्यू डेट कब है? 3 महीने बाद। प्लीज ध्यान देना बेटा, आराध्या वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय, बट अभी ध्यान दो। सो अन्ना के पास ये बिल आ गया, बिल की मैच्योरिटी डेट कब है बेटा? आफ्टर 3 मंथ। पैसा कब मिलने वाला है? 3 महीने बाद। लेकिन नहीं, मेरे अंदर तो पेशेंस नहीं, मुझे तो आज ही पैसों की जरूरत है, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मैं बैंक में गया। अन्ना, अन्ना अभी मैं कौन हूं? अन्ना। मैं कहां गया? बैंक में। बिल किसके पास है? अपने पास। बिल किसके पास है? अन्ना के पास। और अन्ना कहां गया? बैंक गया। बैंक वालों को बोला, हे बैंक सुन, मुझे आज पैसे दे दो। बैंक ने बोला, क्यों दे पैसे? मैंने बोला मुझे जरूरत है। बैंक ने बोला, कुछ है तेरे पास देने के लिए? अन्ना ने बोला, हाँ मेरे पास बिल रिसीवेबल नाम की असेट है। बैंक ने बोला, उसकी मैच्योरिटी डेट कब है? अन्ना ने बोला, 3 महीने बाद देगा सामने वाली पार्टी। सामने वाली पार्टी कौन है? बन्ना। अन्ना ने बैंक को बोला, हे बैंक सुन, मुझे आज पैसे चाहिए, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल नाम की असेट है, वो मैं तुझे दे देता हूँ और मुझे तो आज पैसे दे दे। तो बैंक ने बोला कि वो बिल का पैसा कब मिलने वाला है? अन्ना ने बोला, 3 महीने बाद। तो बैंक ने बोला, 3 महीने बाद कितना मिलेगा? मैंने बोला 5,000। बैंक बोली, मुझे 3 महीने बाद कितना मिलेगा? मैंने बोला 5,000, बराबर है क्या? तो बैंक बोलती है, 3 महीने बाद देगी सामने वाली पार्टी। बन्ना पैसा कब देगा? 3 महीने बाद। और अन्ना तुझे कब चाहिए? आज। तो बैंक ने बोला, थोड़ा कम करके दूंगी, मतलब चलेगा, दे। मैंने बोला, कितना देंगे? बैंक ने बोला 4,800, आपको समझाने के लिए 4,800। सो बैंक को मैंने बिल बेच दिया, बैंक को मैंने बिल बेच दिया। अब बताओ ये बिल मेरे पास है क्या? अब बिल किसके पास है? बैंक वालों के पास। और बैंक वालों को ये बिल का पैसा कब मिलेगा? 3 महीने बाद। लेकिन बैंक मुझे कब दे रही पैसा? आज। तो बैंक ने थोड़ा सा कम करके दे दिया अमाउंट, और बैंक ने दिया मुझे आज 4,800। बैंक ने मुझे आज कितना दिया? 4,800। चलेगा क्या? अब बिल का मालिक कौन है? बिल का मालिक कौन है? बैंक। बैंक ने मुझे आज कितना दिया? 4,800। बिल रिसीवेबल नाम की असेट मैंने बैंक वालों को सस्ते में बेची या महंगे में? सस्ते में, सस्ते में बेचा। इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट देना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिल डिस्काउंटिंग। सो ये जो मैंने बैंक वालों को बिल बेचा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग। बैंक वालों ने 5,000 का बिल लेके मुझे कितने दिए? 4,800। बोलो कितने का डिस्काउंट दिया मैंने बैंक वालों को? 200। मेरा काम तो हो गया ना, मुझे आज पैसे चाहिए थे, मुझे आज पैसे चाहिए थे, दिए मिल गए मुझे आज पैसे, 200 कम मिले।
क्यों 200 कम मिले? बैंक को 3 महीने का बैच कुछ तो मिलना चाहिए ना। बैंक को पैसा कब मिलेगा? 3 महीने बाद। कौन देगा बैंक को पैसा? बन्ना। क्यों? क्योंकि बन्ना ने एक्सेप्ट किया था बिल। बिल पेबल किसके लिए? बन्ना के लिए। तो 3 महीने बाद बैंक को पैसा कौन देगा? बन्ना। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टोरी धीरे धीरे समझ में आ रही है क्या? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। अब बताओ बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक को हमने बिल बेच दिया। आ जाओ, मैं एंट्री करता हूं अन्ना के बुक में। ध्यान देना एकदम लॉजिकली, धीरे धीरे, प्यार से। सर ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी रहेगी ना, बिल इससे आया, इधर गया, बैंक को दिया, 200 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। अंग्रेजी में आपको उसको लिखना है डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, राइट? सिंपल है। चल ध्यान देना बेटा। सो मैंने बैंक वालों को बिल बेच दिया। सो मैंने बैंक वालों को, देखो बिल मेरे पास आ गया, मैंने बिल डिस्काउंट कर दिया। बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। मैंने बैंक वालों को बिल बेच दिया। बोलो बैंक वालों ने मुझे पैसे दिए आज? बैंक वालों ने कितना पैसा दिया मुन्ना? बोल तो, बोल तो, बोल 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 बोल। बैंक वालों ने पैसा दिया 4,800। बोलो लिफाफे में या बोरे में भर के पैसा दिया या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा? बैंक है तो बरबर मेरे अकाउंट में देगी ना कि कैश देती है? बैंक अकाउंट में देगी ना, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या? सो बैंक अकाउंट डेबिट, अन्ना के बैंक में आ गए 4,800। किसी कोई तकलीफ? लेकिन हमने डिस्काउंट कितने का दिया? डिस्काउंट दिया दिया दिया, डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट दिया तो मेरा खर्चा बढ़ा। सो डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, खर्चा बढ़ा तो डिस्काउंट को डेबिट करो। डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखो, डिस्काउंट लिखो, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखो, जो लिखना है लिखो, नाम में क्या पड़ा है? बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखो, डिस्काउंट लिखो, डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो लिखना है लिखो। मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, बैंक वालों को 5,000 की चीज 4,800 में दी, मतलब मैंने 200 का डिस्काउंट दिया। मैंने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा खर्चा बढ़ गया। खर्चे का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। यस और नो? सही है क्या? चलो क्या आगे? पक्का सिद्धो के तकी और सानिया प्लीज ध्यान देना, बताओ। सो बैंक से पैसा आ गया, डिस्काउंट दे दिया, और मेरे पास जो बिल था वो बिल चला गया बैंक के पास? बिल चला गया, बिल रिसीवेबल नाम की असेट गई, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ी तो डेबिट और असेट गई तो क्रेडिट। असेट गई क्या? सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना है बेटा? 5,000 की असेट चले गई। नरेशन बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक कॉमा डिस्काउंटिंग चार्जेस 200। सब लोग प्लीज साथ में रहना। लिखा बेटा सभी ने प्लीज? हाँ बेटा, सब लोग साथ में रहना। डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है? चलो आगे। चल उसके बाद बैठो ना सर, आप भी सीख लो। करो खाना हुआ? वो निपटा लिया टिफिन में से? पूरा खत्म हो गया ना, बचा नहीं ना कुछ भी? हाँ चल आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। बिल डिस्काउंट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, बिल किसके पास है रे? बिल किसके पास है? बैंक के पास। अब समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। अब वो घड़ी आ गई है, 3 महीने खत्म हो गए, ड्यू डेट आ गई। बड़ी स्माइल आ रहा है सिद्धार्थ के चेहरे पे, जैसे मैंने बोला समय बीतता गया, वो घड़ी आ गई है ना, तो सिद्धार्थ के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आई, बराबर है। अब ड्यू डेट के दिन बैंक किसके पास जाएगी? ड्यू डेट के दिन बैंक किसके पास जाएगी? बैंक जाएगी, ये बैंक जाएगी ड्यू डेट के दिन
बैंक जाएगी ड्यू डेट के दिन, बैंक जाएगी ड्यू डेट के दिन बन्ना के पास, बैंक आ गई बन्ना के पास, बैंक बैंक के पास बिल है ना, जिसके पास बिल होता है उसे पैसे मिलते हैं, यस और नो, डोंट वरी बता। ड्यू डेट के दिन बैंक जा रही बन्ना के पास, सो बैंक बन्ना को क्या दे देगी, बैंक बन्ना को क्या दे देगी, बिल, और बन्ना बैंक को क्या देगा, बन्ना बैंक को क्या देगा, पैसा, बोलो कितना पैसा देगा बन्ना, जितने का बिल था 5,000, सिंपल, यस और नो। सो ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट बैंक जाएगी बन्ना के पास बिल लेके, और बैंक बन्ना को बिल दे देगी, बैंक बन्ना को बिल दे देगी और बन्ना बैंक को पैसा दे देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑनरिंग ऑफ बिल, बिल का ऑनर कर दिया, मान रख लिया। क्यों सर, डिसऑनर भी होता है क्या? हाँ डिसऑनर भी होता है। यहां पे उन्होंने बिल का क्या किया, मान रखा, यहां पे उन्होंने बिल का क्या किया बेटा, मान रख लिया, यस और नो, है ना। आ जाओ ध्यान देना। सो अब इसका एंट्री क्या रहेगा, बिल का ऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, इसका एंट्री क्या रहेगा अन्ना के बुक में, मेरा आपसे एक छोटू सा सवाल है, बोलो बेटा। वेरी गुड, बच्चे बिल्कुल सही बोले, सर बिल ऑनर हो गया ड्यू डेट वाले दिन, इसका एंट्री अन्ना के बुक में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अन्ना का क्या लेन देन, बिल किसके पास है, बैंक के पास, बैंक ने बिल किसको दिया, बन्ना को, बन्ना ने बैंक को पैसे, तो बन्ना और बैंक देखते बैठेंगे अपने को क्या लेन देन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू योर बिजनेस, है ना, योर बिजनेस इज योर बिजनेस, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कौन से मूवी का था ना थर्डला डायलॉग, कौन सी थी, सलमान भाई की है ना, वो टाइगर नहीं, ये था ना वो रेस 3, रेस 2, रेस 3 का था शायद ये, आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, कुछ तो था वो, है बहुत ही बोर डायलॉग था, समझ में आया क्या। सो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अन्ना, राइट। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो, सिंपल है क्या। अब देखो कुछ चीजें बताने जा रहा हूं मुन्ना, प्लीज ध्यान दे देना। चलो देखो तो बन्ना के बुक में होगी ना सर, इसकी एंट्री बन्ना के बुक में क्या होगी, ऑन ड्यू डेट बिल ऑनर्ड, बन्ना ने बिल का पेमेंट कर दिया, बोलो बन्ना की लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई, कम हो गई, लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसने लायबिलिटी को यानी बिल पेबल को क्रेडिट किया था, अब लायबिलिटी कम हो गई तो बिल पेबल को डेबिट करेगा, पेमेंट कर दिया टू कैश और बैंक जैसे भी किया होगा, यस और नो, ऑल सेट। डन, अब अच्छे से ध्यान देना, बिल ऑनर्ड, ये एक झलक थी रे अपने टॉपिक की, छोटी सी झलक, ध्यान देना। ये जो है ना, ये जो है ना अन्ना, अन्ना ये कौन है, बन्ना, अन्ना ने बिल ड्रॉ किया क्या, तो अन्ना कौन हो गया, ड्रॉवर, ड्रॉअर, किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, बन्ना के ऊपर, बन्ना को टेक्निकली क्या बोलते हैं, ड्रॉई, बन्ना को टेक्निकली क्या बोलते हैं, ड्रॉई, ड्रॉअर, बिल ड्रॉ करने वाला ड्रॉअर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया वो कौन हो गया, ड्रॉई, ध्यान देना।
भाई की पेंटिंग को सलाम तो दो एक बार, किसी भाई की पेंटिंग बने जीवन में पहली बार इतनी अच्छी बनी बेटा। उसके बाद फाइनली पेमेंट किसको मिला रहे यहां पे? जिस किसी पार्टी को पेमेंट मिलता है उससे हम लोग बोलते पेई। पेमेंट किसको मिला? बैंक को। सो इस क्वेश्चन में पेमेंट मिला बैंक को, जिस पार्टी को पेमेंट मिलता उसको बोलते पेई। सो ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है, या अन्ना कौन है? ड्रॉवर। किसके बुक में अकाउंटिंग की? ड्रॉवर के। किसके बुक में अकाउंटिंग की? उसके बाद हमने ड्रॉई के भी, पेई के बुक में अकाउंटिंग नहीं किया, ड्रॉवर और ड्रॉई। सबको सारी चीजें समझ में आई क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट एनीबडी। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बताता हूं, वरना प्लीज ध्यान देना। लिखा सभी ने, अब अच्छे से ध्यान देना ठीक। एक छोटी सी झलक हमने देखी, आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे, नो डाउट। सो एक बार वापस बता देता हूं, वरना प्लीज ध्यान दे देना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बेसिकली आज के डेट में मार्केट में क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं, इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चलन बहुत सारा आ रहा है। सामने वाले पार्टी को अगर हमने क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा और हमें ऐसा लगता कि उससे शायद पैसे नहीं आएंगे, तो हम लोग क्या करते बेटा? उस पार्टी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते, एक ऑर्डर ड्राफ्ट करते, बता पैसे कब देगा? 3 महीने बाद, चल एक्सेप्ट कर, चल साइन कर। जैसे ही सामने वाली पार्टी उस डॉक्यूमेंट, उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती, साइन कर लेती, हम उससे वो डॉक्यूमेंट वापस ले लेते। अब वो डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट नहीं रहा, वो डॉक्यूमेंट क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। और जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए क्या बन गया? बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल, जिसने ड्रॉ किया वो बन गया ड्रॉअर, जिसके ऊपर ड्रॉ किया वो गया ड्रॉई। और मुझे अगर पैसों की अर्जेंट जरूरत है तो ये बिल रिसीवेबल नाम की असेट में किसी को बेच भी सकता हूँ, यस और नो? सर आपने सिर्फ एक चीज बताई, बिल रिसीवेबल नाम की असेट आप किसी को बेच सकते हो, और आप इस बिल रिसीवेबल के साथ क्या क्या कर सकते हो बताता हूँ, सारी चीज बताता हूँ। आ जाओ लिखो बेटा। सो अच्छे से ध्यान देना, अभी तक क्लियर है सबको सारी चीजें? प्लीज एक भी लेक्चर में अब्सेंट मत रहना, एक लेक्चर अब्सेंट ऐसा समझो आपकी जिंदगी खतरे में, एक गलत कदम पूरी सल्तनत खत्म। प्लीज ऑनलाइन वाले बच्चे, लाइव वाले तो क्या फेस टू फेस यहाँ पे आना ही, आज नहीं आए तो अगले दिन फटके है उसको कि कल क्यों नहीं आया था, यस और नो? फेस टू फेस वाला आ जाता है, ऑनलाइन के अंदर में कंट्रोल थोड़ा कम रहता है, लेकिन आपको मिलिट्री डिसिप्लिन रखना पड़ेगा जो रिकॉर्डेड और ऑनलाइन वाले बच्चे है ना। सो प्लीज ध्यान देना बेटा सारी चीजों की तरफ, आ जाओ। हाँ, एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर बन्ना ने अगर बैंक को बिल का पैसा नहीं दिया तो? सर अगर हमने बिल बैंक वालों को दिया ही नहीं तो? सर बिल का अगर ऐसा हो गया तो? सर बिल की, मैं वही सारी चीजें बता रहा हूँ, डोंट वरी, अभी तक हुआ नहीं खत्म। मैंने क्या बोला, ये छोटी सी झलक है आपके दिल में जो आ रहा है अभिजीत, वो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से मेरे दिल में आता रहा है, तो सारी चीजें बताऊंगा है ना। एक भी चीज नहीं छोटी, बोल मुन्ना। नहीं, फिर वो बोल देंगे कि 100 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस है। देखो, एक बच्चे ने बोला सर यहाँ पे अन्ना ने बैंक को 200 का डिस्काउंट दिया और इंटरेस्ट 100 रुपए का रहा, तो फिर वो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी 100 रहेगा। अन्ना के लिए वो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, बैंक वालों के लिए वो इंटरेस्ट है। और किस बच्चे कोई डाउट? अभिजीत सोकार जी करू नको, फोटो लेना था बेटा, स्क्रीनशॉट मत लेना ऐप बंद हो जाएगा, स्क्रीनशॉट मत लेना ऐप बंद हो जाएगा ठीक है। और आप तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो ना इसके अंदर में, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मत लेना, ऐप का स्क्रीनशॉट मत लेना, ऐप बंद हो जाएगा, सस्पिशियस एक्टिविटी आएगी। दूसरे फोन से फोटो ले ठीक है, आ जाओ। अब काम की चीज बता रहा हूं मुन्ना, प्लीज ध्यान देना मुन्ना। देख अब जैसे फिर से लिखना है सभी ने, फिर से लिखना है, अन्ना ने बन्ना को गुड सेल किया, क्रेडिट सेल ऑफ ₹5,000। अन्ना को भरोसा नहीं था, इसने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, इसमें ऑर्डर दिया, ये कौन हो गया? ड्रॉई। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है ना, मिलेगा क्रिश, क्यों नहीं मिलेगा? ये कौन हो गया? ड्रॉअर। बरोबर,
ये कौन हो गया ड्रॉइंग, ठीक है। और जैसे ही बन्ना ने उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, देखो ये बन्ना का साइन आ गया, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। अब ये क्या बन गया अन्ना के लिए, बिल रिसीवेबल, और इसके लिए क्या बन गया, बिल पेएबल। समझ में आ रहा है क्या, प्लीज ध्यान देना। अब अन्ना के पास जैसे ही बिल आ गया, नाउ है ना, बता दो ध्यान दे, सारी चीज बताता हूं रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप के अंदर में कैसे देखने में लेके सब बता दूंगा, डोंट वरी। नाउ बिल रिसीवेबल इज विथ अन्ना, बिल रिसीवेबल ए के पास है, बिल रिसीवेबल किसके पास है, ए के पास है। अब ए इस बिल के साथ क्या क्या अत्याचार कर सकता है, बिल किसके पास है अभी, ए के पास। अब ए इस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, बता रहे बेटा ध्यान देना। अब ए इस बिल के साथ भाई साहब या तो कुछ नहीं करेगा, अलमारी में रख देगा, मैच्योरिटी डेट तक अलमारी में रखेगा ना, मैच्योरिटी डेट तक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्ड टिल मैच्योरिटी। या तो जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले, या तो ए को अगर अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो ए उस बिल को क्या करेगा, बैंक वालों को बेच देगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। या तो बैंक वालों को डिस्काउंट कर देगा, या तो ये हमने देखा था ना अभी, डोंट वरी सारी चीज वापस बताऊंगा। या तो ए के पास बिल रिसीवेबल आ गया 5000 का, ए के पास 5000 की एसेट आ गई। अब एक ही क्रेडिटर थी जिसका नाम था केतकी, एक ही क्रेडिटर थी, ए को पैसे देना था किसी थर्ड पार्टी को, ए उस थर्ड पार्टी के पास गया, मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन एक बिल रिसीवेबल नाम की एसेट है, मैं वो दे दूं चलेगा, केतकी ने बोला हाँ चलेगा। सो ए ने उस बिल को ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्स कर दिया, ENDORSE, इंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसी थर्ड पार्टी को दे दिया सेटलमेंट के केस में। ए का एक क्रेडिटर था, ए उसको 5000 देने वाला था, ए के पास पैसे नहीं थे, तो ए ने क्रेडिटर को बोला हे क्रेडिटर मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास एक पैसे की कीमत की एक असेट है, वो दू चलेगा। ए के क्रेडिटर ने बोला हाँ दे कुछ भी दे चलेगा, तो ए ने उसको जो बन्ना से बिल रिसीवेबल आया था ना वो बिल रिसीवेबल उसको दे दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। प्लीज ध्यान देना बेटा, बरोबर। या फिर ये सब में से कोई तो एक ही केस हो गया, एट अ टाइम एक से ज्यादा नहीं होगा। सर ए ने बैंक वालों को बिल बेच भी दिया, ए ने बिल किसी को दे भी दिया, ए ने खुद भी रख लिया, सब एक साथ नहीं हो सकता, इनमें से कोई तो एक चीज होगी। सो ए बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, मैं वो सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, यस और नो। उसके बाद या फिर ए बहुत बड़ा आदमी है, ए के पास टाइम नहीं है ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा जाकर के कलेक्ट करना, ए के पास समय नहीं है कि ड्यू डेट के दिन जाएगा बिल का पैसा कलेक्ट करेगा, है ना। ए ने वो बिल उसके बैंक वालों को दे दिया और बोला हे बैंक सुन, ये ड्यू डेट है, ये 5500 मेरे पास बिल पड़े हैं, ड्यू डेट के दिन जाना, जो भी ड्रॉई है जिन जिन से पैसा लेना है जाकर के मेरे भी हाथ में कलेक्ट कर लेना। ए ने ऐसा किसको बोला, उसके बैंक को। सो ए की बैंक ए के भी हाथ में ड्यू डेट के दिन जाके पैसा कलेक्ट करेगी और वो पैसा खुद के जेब में रखेगी या ए के अकाउंट में डालेगी, ए के अकाउंट में। क्लियर।
सो आ जा रहे बेटा ध्यान दे। सो इस प्रोसेस को कहते ए ने बैंक वालों को बिल दे दिया क्या, बट क्यों बैंक वालों को बेचा या कलेक्शन के लिए दिया, सिर्फ कलेक्शन के लिए। इसे अंग्रेजी में कहते हैं बिल सेंट फॉर, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो यहां पे बैंक ए के एजेंट की तरह ए के बिहाफ में पैसा कलेक्ट करके ए के अकाउंट में डाल देगी। या फिर और क्या कर सकता है ए बिल के साथ, क्या कर सकता है, दया पता लगा उस बिल को वो गिरवी रख के कहीं से पैसे भी ले सकता है, प्लेज, PLEDGE, प्लेज। सो PLEDGE, प्लेज। सो ए या तो उस बिल के साथ और क्या कर सकता है, उसे प्लेज कर सकता है, यस और नो, उसे गिरवी रख सकता है, यस और नो, क्लियर, डन। सो ए उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है बेटा, ए उस बिल के साथ देखो कितने अत्याचार, अत्या पांच कर सकता है, अत्या एक हेल्थ टिल मैच्योरिटी, अत्या दो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, अत्या तीन, अत्या चार, अत्या पांच। भाई साहब ए देखो बिल के साथ क्या क्या कर सक रहे हैं, हर एक केस में कुछ ना कुछ जर्नल एंट्रीज रहेगी क्या, यस, हर एक केस में बिल का ऑनर रहेगा क्या, यस, हर एक केस में बिल का डिसऑनर हो सकता है क्या, यस, हर एक केस में ड्रॉइंग की इंसॉल्वेंसी हो सकती है क्या, यस। कितनी एंट्री हो गई, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, प्लेज के लिए स्पेशल कोई एंट्री नहीं है फिर भी 16 एंट्री रहेगी, 16 प्लेज की एंट्री सेम रहती है हेल्थ मैच्योरिटी वाली, क्या बोलते हो भाई लोग, बहुत सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर में, डन, जो हम लोग करेंगे अब कंटिन्यू टू मोरो, कल ये टॉपिक का नहीं, हाँ बता दो ठीक। बच्चों